केरल देश का एक ऐसा राज्य है जो अलग अलग संक्रमणों से जूझ रहा है। एक तो यहाँ पहले से ही कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हो रही है और दूसरा अब राज्य में निपाह वायरस का भी प्रकोप देखने को मिल रहा है। हालांकि भले ही ये दोनों वायरस प्रकृति में एक जैसे दिखे, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से काफी अलग हैं। निपाह का कोई इलाज नहीं है और ना ही कोविड का। निपाह और कोरोना दोनों संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। इनके खिलाफ अभी तक कोई भी एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है कि वर्तमान में निपाह वायरस संक्रमण के लिए कोई लाइसेंस प्राप्त उपचार उपलब्ध नहीं है। उपचार सहायक देखभाल तक सीमित है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आराम करना, खुद को हाइड्रेट रखना और लक्षणों के आधार पर उपचार शामिल है। CDC ने कहा है कि इम्यूनोथेरेप्यूटिक उपचार मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी है, जो कि वर्तमान में NIV संक्रमण के उपचार के लिए की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने केरल राज्य को जो पत्र भेजा है, उसके अनुसार भारत उपचार उद्देश्यों के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के उपयोग की खोज कर रहा है। निपाह अधिक घातक, कम संक्रामक, कोविड बिल्कुल विपरीत। विशेषज्ञों के मुताबिक निपाह वायरस कम संक्रामक जरूर है, लेकिन ये अधिक घातक है, जबकि कोरोना वायरस अधिक संक्रामक है लेकिन कम घातक है। निपाह वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में जहां 40-75% तक की मौत हो जाती है, वहीं कोरोना वायरस की मृत्यु दर इसके मुकाबले बहुत ही कम है। क्या दोनों वायरस के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध है? कोरोना वायरस के खिलाफ तो वैक्सीन बन गई है, जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है, लेकिन निपाह वायरस की वैक्सीन अब तक नहीं बनी है, इसलिए इस बीमारी से अधिक सावधान रहने की जरूरत है। निपाह और कोरोना वायरस के लक्षण क्या है? निपाह और कोरोना वायरस के कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं, जिसमें बुखार, गले में खराश, सिरदर्द, खांसी, थकान, सांस लेने में तकलीफ आदि शामिल हैं, लेकिन निपाह में मांसपेशियों में दर्द और इंसेफ्लाइटिस जैसे लक्षण भी दिखते हैं, जबकि सूखी खांसी, स्वाद और गंध के चले जाना कोरोना के सबसे आम लक्षण हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।